welcome back to our channel. So this is Roy Vlogs, this is Iconica. Hope you all are doing great. और आज का दिन जो है हम लोग दिल्ली explore करने के लिए निकले हैं, मैं, मेरे husband and मेरा भाई और कुछ friends, मेरे बचपन के best friends जो है वो भी हमें आज मिलने आने वाले हैं. तो हमने आज सोचा कि ज़्यादा time तो है नहीं हाथ में, तो जो central दिल्ली है Connaught Place के आसपास का वो हम घूम ले. सो सबसे पहले हम जाएंगे उग्रसेन की बावली में, जहाँ की मैं भी दिल्ली की रेजिडेंशियल होके भी मैं कभी भी विजिट नहीं किया, मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है. आई होप इट इज़ गुड. और ये बहुत फेमस जगह है और यहाँ काफ़ी मूवीज़ की, फेमस मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे PK और शुभ मंगल सावधान, ऐसे काफ़ी मूवीज़ है, यू कैन ऑल्सो चेक आउट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड. सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट विद उग्रसेन की बावली. ये बेसिकली पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था, तो जब बारिश कम होती थी तो यहाँ पर पानी स्टोर होता था, तो इसलिए स्टेप वेल बनाया गया. बट अभी ये यूज़ नहीं होता, वो पहले का टाइम में यूज़ होता था. और बिल्ली को देखो, कबूतर लेके भाग गया वो, देखो कोने में जा के वो देखो, बिल्लियों का पार्टी चल रही है वहाँ पे. बहुत स्मेली एरिया है, बहुत स्मेल आ रही है. सो गाइज, हमारा अग्रसेन का बावली घूमना हो गया है, बहुत अच्छा लगा हमें ये. हमारे जो है फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, तो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे कनॉट प्लेस, वो वहाँ आने का प्लान है उनका, तो अभी हम वही जा रहे हैं. सो हम आपको थोड़ी देर में वहाँ मिलते हैं. ये मेरा हस्बैंड मीटिंग लेते लेते जा रहा है, रास्ते में कभी देखा है कोई ऑफिस का मीटिंग कर रहा है? मैंने देखा है पहली बार. और मेरा हस्बैंड जो हस्बैंड मेरा भाई भी. देखो लिटरली इन दोनों ने छुट्टी ली है और लग नहीं रहा है कि इन दोनों की छुट्टी है, इसको देखो. मतलब घूमने आए हैं बट फिर भी मीटिंग ले लो पहले. ठीक है, चलो चलते हैं. अभी हम लोग जनपद मार्केट में हैं. आज मुझे खास वैसी कुछ शॉपिंग करनी नहीं है, तो मैंने कुछ खरीदा नहीं है. अगर कुछ दिख जाता है देन आई विल बाय. और अभी हम लोग एक बहुत ही पुराना बुक स्टोर के सामने खड़े हैं. ये बहुत ही पुराना है, फेमस बुक शॉप है यहाँ का जनपद में, कनॉट प्लेस. शर्मा खींच रही है. क्या होने का लग गया फिर? सारे के बोलना बर्गर है तो हाँ, सारे के सारे चारू सर्व कर रही है सबको ये फ्राइज. इस बार शर्मा ही नहीं है.
सो गाइज हम खा पी के नंदोस से हम निकल गए हैं. अभी हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है इंडिया गेट के पास जो ऑपोजिट साइड में है रायसीना हिल्स, वहाँ जा रहे हैं. ये हमारे भाई ने प्रेफर किया बिकॉज इंडिया गेट हम ऑलरेडी जा चुके हैं, मैं और मेरे हस्बैंड सभी जा चुके हैं. सो इसकी वजह से अभी डिसाइड हुआ कि रायसीना हिल्स जाते हैं जो कि ऑपोजिट साइड में, वहाँ पर बहुत सुंदर ही व्यू आता है, बहुत अच्छा. अभी नाइट व्यू बहुत अच्छा होगा. सो वो इंजॉय करने के लिए अभी हम वहीं जा रहे हैं. नॉर्थ ब्लॉक के सामने खड़े हैं, मतलब बैठे हैं, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छी लाइटिंग हो रही है, बहुत अच्छा लाइट शो हो रहा है, वहाँ अलग, यहाँ अलग, राष्ट्रपति भवन में अलग, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम. ये एटमॉस्फेयर मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा है. सो इट्स लाइक मुझे घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, थोड़ा देर और बैठो ऐसा लग रहा है. सो पीपल इन दिल्ली आर स्टेइंग इन दिल्ली और इफ दे आर कमिंग आउट ऑफ दिल्ली, सो दे शुड visit here. It's a must visit place, especially in the evening when this light show starts. So guys, please aap log aaiye aur aap enjoy kariye. Crowd bhi zyada nahi hai, no hosh posh, nothing. Bahut hi acha khulla area hai, acche se walk karo, baitho, enjoy karo is atmosphere ko. Aur India Gate se better hai kya ye? Haan, bahut acha hai. Main bahut choti thi shayad tab aayi thi, but wo bhi day time pe. अभी ये फर्स्ट टाइम है मैं नाइट टाइम पे आई. बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है. इंडिया गेट में बहुत क्राउडेड होता है, यहाँ लेस क्राउडेड है, लोगों को आना चाहिए. तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम बताओ यहाँ पे आके. नहीं बोलो ना कैसा लग रहा है, तुम भी तो फर्स्ट टाइम आए हो. बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे तो काफी डिफरेंट है. मेरे को लगा था यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, बट देख रहे कि हम लोग नॉर्मल पब्लिक भी जा सकते हैं, जैसे सबको एक आईडी कार्ड चाहिए. सो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पीसफुल है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो आराम से आके एंजॉय कर सकते हैं. हेलो गाइस, सो अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक्चुअली मैं पे क्या क्या है, मतलब कौन से मिनिस्ट्रियल ऑफिस है. बेसिकली बिलोंग है कि ये रायसीना हिल है यहाँ पे. सो ये राष्ट्रपति भवन और जो रायसीना हिल में जो ब्रिटिश पीरियड से ये मतलब ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन दूंगा साउथ ब्लॉक से, जो कि मेरे राइट हैंड साइड में है. आप अगर देख सकते हैं कि मेरे राइट हैंड साइड में जो नॉर्थ ब्लॉक का फर्स्ट ऑफिस जो होता है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री. सो दिस वन इज़ डिफेंस मिनिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय. एंड देर इज थर्ड वन ऑफिस इज PMO ऑफिस, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो पीछे इसके पीछे है. सेंटर में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन है सेंटर में. एंड अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये है नॉर्थ ब्लॉक है आपका, सबसे कोने में नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री. एंड सेकेंड वन इज़ होम मिनिस्ट्री आपका. वो स्ट्रेट है इंडिया गेट. यहाँ से 3 किलोमीटर आगे एकदम स्ट्रेट रास्ता है इंडिया गेट की तरफ. प्लीज मैं कुछ नहीं बोला. आप बताओ यहाँ कैसा लग रहा है यहाँ आके. मुझे तो तुझसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा. ऐ लाइट मारो ना, इधर आओ. हाँ, अब मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है, कह रही है कि वो मुझसे बेबी मिलने नहीं आई और जमाई भी मिलने नहीं आई. आंटी सॉरी, नेक्स्ट टाइम पक्का. अभी टाइम कम है ना, मटन बहुत पसंद है ना. नहीं अब चिकन भी चलते हैं, मटन छोड़ दिया दीदी अभी. ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा और जल्दी हमारी मीटिंग होगी दोबारा. क्या पता बेंगलोर आ जाए तो. हाँ हाँ जरूर जरूर, नेक्स्ट टाइम हमारा वहाँ का व्लॉग बनेगा. हाँ हाँ जरूर. एमी तुम भी कुछ बोलो. लव यू मासी. सो गाइज वन मोर थिंग, मेरे जो फ्रेंड्स आए हैं बचपन के फ्रेंड्स, उनमें से जो दीदी है इनका भी अपना एक खुद का चैनल है. सो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हर चैनल. आपका चैनल का नाम मनहारिका. मनहारिका हाँ, और एक है मेकअप बाय मनहारिका. हाँ, मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगी. आप लोग प्लीज वहाँ जाके चेक करिए वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हर चैनल. चलो बाय. Bye bye. Bye.
लोग यहीं तक। तो अभी हम लोग बेसिकली संसद भवन के बाहर खड़े हैं। संसद भवन में बेसिकली यहाँ पे दिल्ली में वहीं पे हमारे राज्यसभा और लोकसभा दोनों है, तो यहीं पे यहीं से मोदी के काफ़ी सारे स्पीचेस और अमित शाह के स्पीचेस ये सब देखे होंगे। सो इसके बाहर खड़े हैं, अंदर जाना तो अलाउड नहीं है। सो ये आज का ब्लॉग यहीं तक है। यहाँ से हम लोग बेसिकली अभी घर जाएंगे बेसिकली। हाँ, अभी हम थक भी गए हैं, आफ्टरनून से निकले हुए हैं 3 बजे से, और अभी टाइम हो रहा है 9 बजने वाले हैं, तो वी शुड गो होम नाउ। तो अभी हम घर जाते हैं और आज का ये व्लॉग यहीं तक। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। सो और ये व्लॉग आपको कैसा लगा बताइए हमें, और कुछ भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बेसिकली। हाँ, सो तब तक के लिए बाय बाय।